गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे योगेंद्र मौर्य चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप लोगों को स्टार्टर के बारे में जानकारी, अल्टीमेटर के बारे में जानकारी, ये सब देते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन। तो दोस्तों आज देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे, ये आपका स्टार्टर है और स्टार्टर में दिक्कत क्या रही है ये आप लोगों को भी हम चला करके दिखाते हैं। चला, ये चल गई लेकिन तुरंत बंद हो जाती है। अब पीली बटन को दबाइए, बंद हो गई। ये दिक्कत आ रही है, इसमें कहां से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यही आज आप लोगों को हम बताएंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखिएगा, जैसे कि हम ग्रीन बटन से स्टार्ट करते हैं, चालू हो गई, उसके बाद में जब रन वाली बटन को दबाते हैं तब ये बंद हो जा रही है। इसमें क्या ये रीजन है? अब हम इसको डेल्टा करने जा रहे हैं, डेल्टा किए आपकी मोटर बंद हो गई, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसका देखिए, ऑयल टैंक को हमने खोल लिया, ये तीन कॉन्टेक्टर लगे रहते हैं, इनको आप देख लीजिए। और इसमें ये दिक्कत अक्सर तर किसी किसी स्टार्टरों में देखिए, यहाँ पर इसकी जगह पर, ये डिब्बी की जगह पर एक एक पत्ती लगी होती है तीनों में। लेकिन इसमें ये आरसी कंपनी का है, इसमें पत्ती नहीं देते हैं कंपनी वाले, इसमें ये डिब्बी देते हैं और इसी डिब्बी के अंदर पत्ती होती है, उसी के ऊपर ऐसा होता है कार्बन जम जाता है, उसको आप साफ कर दीजिए और ये काम करने लगेगा। तो अभी हम आपको खोल करके चेक करके बताते हैं कहाँ से इसमें कौन सी में दिक्कत है। आप लाइन पर बने रहिए और वीडियो शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, ये होता है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर हमारा ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी हम बर्जर से आवाज़ सुन करके पहचानते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट वाले को हम चेक करते हैं, फर्स्ट वाला जो है ये उठने पर बोलना चाहिए, आपको सुनाई दे रहा होगा ये बोल रहा है। ये दूसरा वाला रहा, ये बोलता है, इसको जब हम ऊपर को उठाएंगे तो बंद हो जाएगा। ये आपका रहा तीसरा, ये तीसरा वाला कंडक्टर है, इसको ऊपर में लगाते समय ये बोलेगा। और नीचे गिरने से ये बोलना चाहिए, नीचे वाले पॉइंट से ये नहीं बोल रहा है, इसको ना नहीं बोल रहा है। यहीं पर आप देखिएगा कार्बन लगा होता है। तो इस पॉइंट को हम खोल लेते हैं, इस पॉइंट की दोनों पिन आपस में शॉर्ट होती हैं, एक साइड की दोनों पिन आपस में शॉर्ट होती हैं, दूसरे साइड की अलग अलग होती हैं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। इस डिब्बी को हम निकाल लेते हैं, इसमें ये जो होता है यही पत्ती ये पॉइंट को चिपकाने और छोड़ने का काम करता है। तो इस डिब्बी को हम खोल लेते हैं, खोलने के बाद में इसमें देखिए ये पॉइंट निकलते हैं, इसमें ये देखिए पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट पर देखिए कार्बन जमा है, इसको हम साफ कर लेते हैं कायदे से। इस पॉइंट को साफ कर लिया, उसके बाद में इस डिब्बी को भी साफ कर लेते हैं। ये पॉइंटों को हमने साफ कर लिया,
और इसको हम इस प्रकार से देखिए, ये पॉइंट जो हैं ये जब नीचे को रहता है तो दोनों पॉइंट आपस में शार्ट रहते हैं, और ये जब ऊपर को उठता है तो ऊपर के दोनों शार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से होता है। इसके ऊपर ये एक स्प्रिंग लगी रहती है। जैसे कि हमने इसको साफ कर लिया, अब इसको हम चेक करते हैं, नीचे वाले पॉइंट में लगाते हैं तो इसको बोलना चाहिए। अब देखिए आवाज दे रहा है, बोल रहा है, और जब हम इसको ऊपर वाले में लगाएंगे तो नहीं बोलेगा। अब नहीं बोल रहा है। अब ये बोलेगा कैसे? ये जब आपका कॉन्टेक्टर उठता है तो ये चीज उठ जाती है ऊपर को, देखिएगा ऐसे। अब बोलेगा, अभी हम आप लोगों को लगा करके चला करके दिखाते हैं। अब हमने इस डिब्बी को लगा लिया। लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो शार्ट वाला तार है इसको इस साइड में जहां पर लगा था वहीं पर हम लगा देते हैं। एक साइड का हम शार्ट वाला तार बांध लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरी साइड का तार बांधते हैं। लेकिन तार खोलने से पहले ये चीज का ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि कौन सा तार नीचे लगा था, कौन सा ऊपर लगा था। ये तार आप गड़बड़ कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम बांधते हैं। नीचे वाला नीचे में। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, ये सब करने से पहले सबसे पहले आप ग्रिप्स को निकाल जरूर लिया। नहीं निकालेंगे तो ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आपको करंट लग सकता है। अब इसमें हम लगा करके अभी आपको चला करके दिखा रहे हैं, और ये आपका रेडी हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टर हमने खोल कर डिब्बी को सही कर दिया है, हमारा स्टार्टर मेंटेन हो चुका है, एकदम चलने के लायक में हो चुका है। लेकिन ये उन्हीं स्टार्टर वाले इसको दे करके सही अपना करें जिनके में इस प्रकार की डिब्बियां लगी हों। थोड़ा फर्क होता है, उसमें पत्तियां बाहर होती हैं, ओपन होती हैं, इसमें अंदर हैं। तो अब हम आप लोगों को चला कर इसको दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा। ये देखिए चालू हो गया। उसके बाद में हम फिर रन वाली बटन को दबाते हैं, चालू हो चुका है आपका। और आपको हम पानी भी दिखाते चले साथ में। ये देखिए आपकी पाइप फुल हो चुकी है। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।